हेलो ट्रेडर्स, एक दिन पहले ही मालूम है कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना। कल चार स्टॉक्स आप लोगों को हमने ट्रेड करने के लिए दिए थे। सबसे पहले था कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मैंने बोला था आपसे 1775 और 1772 ये हम लोगों को शॉर्ट करना। तो प्राइस जैसे उस लेवल के नीचे आया तब से फिर ये ऊपर की तरफ गया नहीं, वापस से देखे इसने नीचे आकर के हमको हमारा टारगेट दिया। जितना टारगेट बोला था सारा का सारा टारगेट यहाँ पर वन जैसे के अंदर में शॉर्ट सेलिंग करनी थी। लेवल के नीचे हमको शॉर्ट करना था लेकिन प्राइस हमारे लेवल के नीचे आया और यहाँ सीधे ही ऊपर की तरफ चला गया। तो था इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर हमको बाई करना था, बाइंग करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, प्राइस सीधे नीचे कोई ट्रेड इसके अंदर नहीं। एलआईसी एंड इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस दोनों एक ही सेक्टर के स्टॉक, इस वजह से सेक्टर क्योंकि नीचे गया तो दोनों स्टॉक्स भी नीचे गए और दोनों स्टॉक्स के अंदर हमें बाइंग करना था। तो मतलब कि दोनों स्टॉक्स के अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं। चार स्टॉक देखे, चार स्टॉक्स में से एक स्टॉक हमको अच्छी खासी कंफर्मेशन दी, अच्छा खासा टारगेट उसने दिया और अभी हम ट्रेड से बाहर। लेसन एंड टर्बो को कल की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, इस लेवल के ऊपर इसके अंदर बाइंग करनी थी। कल के क्लास के क्लिप अगर हम आपको देखा तो ये हमारा वीडियो है एंड इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर देखिए एलटी को डिस्कस किया जा रहा है, चारों लेवल्स मार्क करके हमने कल अपनी क्लास में डिस्कस की थी। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया था कि जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम बाइंग कर लेंगे और अगर प्राइस हमारे इस वाली कैंडल के नीचे की तरफ निकलेगा तो फिर हम शॉर्ट सेलिंग कर देंगे। पूरे दिन हमें सिर्फ अपसाइड का ही मूव दिखाया, काफी ठीक ठाक प्रॉफिट लोगों ने इसके अंदर बुक किया। सो थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन।